Hi everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and welcome to the Orange City, Nagpur. मुझे ऐसे लगता है जब भी हम स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो नागपुर जो महाराष्ट्र में आता है वो अभी तक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड और अंडररेटेड है। जब आप नागपुर के स्ट्रीट फूड की खोज करेंगे तो आपको ऐसे जॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको इतनी अच्छी तरी पोहा मिलती है, चाट मिलती है, समोसे मिलते हैं और बहुत सारे आपको भोजनालय भी मिलेंगे जहाँ पे आपको साउजी खाना मिलता है। सो द फूड इन नागपुर इज़ सुपर इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ द फर्स्ट ट्रिप दैट यू आर टेकिंग इन 2024। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ नागपुर फूड सीरीज। दो वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम नागपुर का ढेर सारा डिलिशियस खाना खाने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच बोथ द वीडियोस। दिस इज पार्ट वन एंड इन दिस वीडियो आई विल बी शोइंग यू अ लॉट ऑफ डिशेस। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट प्लेस टू हैव तरी पोहा। अब जब मैं ढूंढ रही थी कि तरी पोहा कहाँ पे खाना चाहिए, आई एक्चुअली फाउंड सो मेनी जॉइंट्स विच आर वेरी फेमस इन नागपुर। रामजी श्यामजी इज सुपर फेमस, देन देयर्स केशव, बट सुबह सिर्फ 7-7:30 तक ही खुला रहता है, 5 से 7:30 तक। सो आई थॉट विच वन शुड वी गो, द वन वी आर गोइंग इज, लेट्स फाइंड आउट। कहते हैं कि आपकी जो नागपुर की ट्रिप है वो थोड़ी ना इनकम्प्लीट रह जाएगी अगर आपने यहाँ पे आके तरी पोहा नहीं खाया तो। इतना फेमस है, इनफैक्ट नागपुर स्ट्रीट फूड का जब भी आप नाम सुनोगे तरी पोहा वो लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। इसलिए आपको नागपुर में बहुत सारे जॉइंट्स मिलेंगे जो तरी पोहा सेल करते हैं, थोड़े शॉप्स हैं एंड यू विल फाइंड सो मेनी स्ट्रीट स्टॉल्स जहाँ पे आप तरी पोहा ट्राई कर सकते हो। वी हैव कम टू दिस जॉइंट कॉल्ड विक्की चना पोहा। यहाँ पे आपको तरी पोहा मिलता है, समोसा तरी पोहा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट हम तो यहाँ पर आए हैं हमारा तरी पोहा खाने, जिसको यहाँ पे चना पोहा भी कहते हैं। तो ये तरी पोहा की हाफ प्लेट है। पोहा आप देखेंगे काफ़ी सिंपल है, खिले खिले हैं। सबसे पहले इन्होंने पोहा डाला, उसके ऊपर इन्होंने डाली तरी। अब तरी क्या होता है ना, तरी इज़ बेसिकली दिस चना ग्रेवी। इन्होंने थोड़ा सा चिवड़ा भी डाला जो सेम पोहा का ही बना हुआ है, एंड दिस पीस ऑफ टमेटो। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टमेटो बट आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल मिक्सिंग दिस टमेटो जो काफ़ी मशी है, एंड ईट दिस। चलिए खाते हैं सबसे पहले। वाओ, दिस इज स्पाइसी, सुपर स्पाइसी। एक और बाइट लूँगी मैं। ये कॉम्बिनेशन यहाँ के लोगों के लिए बहुत आम बात होगी बट मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल प्ले ऑफ फ्लेवर्स कमिंग टुगेदर। पोहा एक स्टेपल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट आइटम है और तरी ये भी एक महाराष्ट्रियन ग्रेवी है जो स्पाइसेस के साथ बनाई जाती है। दोनों को इन्होंने मिक्स किया है विद दैट चिवड़ा। तो ये जो पोहा है ना काफ़ी खिले खिले हैं और ये जो तरी है विच इज़ बेसिकली अ वेरी स्पाइसी ग्रेवी जिसमें बॉयल्ड चना डाले हुए हैं बहुत सारे, काफ़ी स्पाइसी है। इसमें ना मैंने सुना है कि काला मसाला या रेड चिली दोनों में से एक चीज़ पड़ती है टू गिव इट दैट डिस्टिंक्ट स्पाइसी फ्लेवर। एंड यूजुअली जो पोहा होता है उसमें भी कैसे बहुत सारा कांदा टमाटर ये सब होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ मिर्ची है। दिस इज सो गुड। पोहा एकदम नरम हो गए हैं तरी की वजह से और जो चना है बॉइल्ड है, लाइक यू कैन बाइट इनटू देम एंड एन्जॉय इट। बहुत सारे स्पाइसेस तो डाले हुए हैं इसमें एंड दैट क्रिस्पी चिवड़ा, अमेजिंग। तरी में ऑयल भी काफ़ी था और ऐसे बीच बीच में ग्रीन चिलीज भी डाले हुए हैं। बहुत सारे इसमें स्पाइसेस डाले हुए हैं जैसे ब्लैक पेपर हो गया, रेड चिली पाउडर। दिस इज अमेजिंग, अ परफेक्ट स्टार्ट टू द नागपुर फूड सीरीज। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि जब आप नागपुर फूड की खोज करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे भोजनालय मिलेंगे जो साउजी खाना सर्व करते हैं। अब साउजी एक्चुअली क्या है, मैनी पीपल से कि साउजी एक तरीके का क्विजीन है, बट एक्चुअली
सावजी इज़ अ वे ऑफ कुकिंग। सावजी मतलब कैसे बोला जाता है कि नागपुर में इट्स अ वे ऑफ कुकिंग के मसाले कितनी क्वांटिटी में, कितनी देर के लिए, किसके साथ, कितने पकाए जाते हैं। इट्स बेसिकली द वे डिशेज आर मेड, दैट्स कॉल्ड सावजी। और नागपुर में आपको बहुत सारे भोजनालय मिलेंगे जो सावजी डिशेज प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली इसमें करी प्रिपरेशन होती है, मीट पेस्ट, चिकन या मटन, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस पड़ते हैं एंड इट्स सपोज टू बी स्पाइसी, इट्स सपोज टू हैव अ लॉट ऑफ ऑयल क्वांटिटी। और जितना मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको दिखाई लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक डिश ऑलरेडी ऑर्डर कर ली है। दिस इज़ चिकन गावरानी रस्सा विद जवार की भाकरी। लुक एट दैट अमाउंट ऑफ ऑयल, इट्स बेसिकली अ फुल लेयर ऑफ ऑयल हियर, लुक एट दैट। अभी हम आ गए हैं शंकर भोजनालय में एंड दिस इज़ हाउ देयर मेन्यू लुक्स लाइक। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे एंड इवन दो डिशेस के नाम पे साउजी नहीं लिखा हुआ है, एवरीथिंग यू सी हियर इज़ साउजी। सो हमने लिया है चिकन गावरानी रस्सा। ये देसी चिकन है जो साउजी वे में बनाई गई है। इट हैज़ लॉट ऑफ ऑयल, लॉट ऑफ स्पाइसेस, अनियन बेस्ड ग्रेवी है ये। और ये जो शंकर भोजनालय है इट्स लाइक अ ह्यूज स्पेस एंड वन ऑफ द गुड थिंग्स हियर इज़ यहाँ पे दो सेक्शंस हैं जो कम्प्लीटली फैमिली सेक्शंस हैं। नागपुर के जो लोग हैं उनको तो ये प्लेस का इंट्रोडक्शन भी नहीं चाहिए, इट्स लाइक फ्रीक्वेंटेड बाई अ लॉट ऑफ लोकल्स। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। सो ये फुल प्लेट है ऑफ चिकन गावरानी रस्सा जिसमें चिकन के पीसेस मुझे दिख रहे हैं। लेट्स टेक वन ऑफ द पीसेस, लुक एट दैट। ऊपर तो पूरा ऑयल ऑयल ही है बट ग्रेवी आप देखेंगे काफ़ी ऐसी रिच और थिक लग रही है। इसके साथ हम खाने वाले हैं ये जवार की भाकरी। अब भाकरी जो है सबसे पहले इन्होंने तवे पर सेकी, फिर डायरेक्टली कोयले पे। काफ़ी क्रिस्पी है ये भाकरी। ये हम लेते हैं चिकन, बहुत गर्म है ये। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। दिखने में तो नॉर्मल कोई ये चिकन ग्रेवी या चिकन हंडी लग रही थी बट दिस टेस्ट सो डिफरेंट। एक और बाइट लूँगी मैं फिर आपको बताती हूँ कि मुझे किस किस चीज़ का स्वाद आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिकन बॉइल्ड है, काफ़ी टेंडर है और ये जो ग्रेवी है ये काफ़ी मसालेदार है। दिस इज़ वेरी हाई ऑन स्पाइसेस, ऐसे तीखा मीडियम है, ज़्यादा तीखा नहीं है। बट मुझे एक चीज़ क्या मालूम पड़ रही है कि इसमें ना ऑयल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ही, बट जो स्पाइसेस है जैसे जीरा हो गया, हिंग हो गया, सिनेमन हो गया जो दालचीनी होता है, फिर इलायची हो गई, ब्लैक पेपर, सब भर भर के डाला गया है। बहुत सारे स्पाइसेस हैं इसमें, काफ़ी रिच है ये टेस्ट में। और क्योंकि ये काफ़ी अनियन बेस्ड है तो अनियन का जो भुना हुआ पूरा वो एक फ्लेवर आता है वो भी इसमें आ रहा है। लाइक जब आप ये खाओगे तो आपको ऐसे गले पे हिट होगा जो इसका ऐसा पूरा हीट है। दिस इज़ लाइक अ गुड प्ले ऑफ फ्लेवर्स कमिंग फ्रॉम द स्पाइसेस। इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कोकोनट भी डाला हुआ है, थोड़ा उसका स्वाद आ रहा है या उसका जो टेक्स्चर है। और मैंने क्या पढ़ा है कि साउजी डिशेस में खसखस भी बहुत पड़ती है, जो खसखस होती है अमेजिंग। देन लॉट्स ऑफ धनिया। ओवरऑल इफ आई हैव टू सम इट अप, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं कुछ इतने अलग नहीं है बट जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी अलग है। टू गुड। डिलिशियस चिकन रसा, अब टाइम है नागपुर की एक और स्पेशलिटी खाने की, समोसा छोले। तो आप देखेंगे कि पोहा ले लो या आप समोसा ले लो, इसके ऊपर ग्रेवी जैसे तरी हो गया, छोले हो गए, चना हो गए, ये डाल के यहाँ के लोग खाते हैं एंड आई एम नॉट गोना लाइक, इट एक्चुअली टेस्ट्स अमेजिंग। आज की जो नेक्स्ट जगह हम आए हैं वो है प्रीति कॉर्नर। ये 1974 में यहाँ पे सेटअप हुई थी एंड इज़ अ लोकल्स फेवरेट व्हेन इट कम्स टू ईटिंग समोसास, रगड़ा पैटीज एंड समोसा विथ छोले जो मैंने लिया है। ये एक प्लास्टिक के बोल या कंटेनर में एक समोसा इन्होंने डाला जो पूरा क्रश किया और ऊपर से इन्होंने डाला अनियन और ये ग्रेवी जो काफ़ी वाटरी है छोले की। पीपल हियर लव दिस, इट वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय अ लॉट ऑफ लोकल्स हियर। और ये आपको मिलता है 30 रुपीज़ में, तो 30 रुपीज़ में तो काफ़ी अच्छा है। मतलब 30 रुपीज़ में समोसा ग्रेवी काफ़ी ऐसा हैवी भी लग रहा है। अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ग्रेवी में था तो ये काफ़ी सॉगी हो गया है समोसा। एक दो छोले के भी पीस ले लेती हूँ मैं। ओके, अगेन हल्का सा स्पाइसी। यहाँ पे आप जो भी खाएंगे एक्सपेक्ट करना कि थोड़ा सा स्पाइसी तो होगा ही। मुझे ऐसा लगा कि टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा है बट मुझे ना ऐसा कुछ अलग नहीं लग रहा है, सिर्फ ऐसा लग रहा है जो हम रगड़ा पैटिस नहीं खाते हैं उसकी जगह पे पैटिस को निकाल के समोसा डाला है। बट मैं एक और बाइट लूँगी।
तो समोसा काफ़ी अच्छा है, सिंपल है, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट टेस्ट में ऐसे काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया सौगी हो गया, समोसे के अंदर सिर्फ आलू और थोड़े मसाले डाले हुए हैं, और ये जो ग्रेवी है जो काफ़ी वाटरी है, इसमें अनियन टमेटो बेस्ड ग्रेवी है मुझे लग रही है, लॉट्स ऑफ ऑयल एंड स्पाइसेस जिसमें रेड चिली पाउडर बहुत डाला हुआ है, और ये ढेर सारे छोले डाले हुए हैं। हैवी तो ये है काफ़ी, एज अ स्नैक इट्स सुपर हैवी, और बहुत सारे इसमें अनियंस भी डाले हुए हैं, तो वो एक क्रंची टेक्सचर और फ्लेवर आ रहा है। धनिया और ग्रीन चिलीज भी भर भर के डाले हैं। ओवरऑल इट्स वेरी गुड, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट गुड, यू कैन ट्राई हियर अगर आपको स्नैक्स में कुछ खाना है। बट ये सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक ही ओपन होता है, और एज यूजुअल ऑल द डिटेल्स यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। इफ यू गाइस डोंट नो बाय नाउ, द फर्स्ट थिंग आई डू जब भी मैं कोई न्यू सिटी में जाती हूँ, आई एक्सप्लोर द चाट प्लेसेस देयर। आई लव चाट, और मुझे लगता है हर सिटी की ना एक ऐसे चाट प्लेस पक्का होती है जहाँ पे बहुत सारे लोकल्स आते हैं, गप्पे मारते हैं, चाट खाते हैं, एंड आई लव एक्सप्लोरिंग दोस। तो नागपुर में अभी हम आ गए हैं चिराग का चस्का, या इसको बाहुबली पानीपुरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है बाहुबली पानीपुरी। अब वो क्या है वो तो चल के देखेंगे, पर यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कि यहाँ पे 7 डिफरेंट फ्लेवर्स के पानी पड़े हैं। तो जब आप गोलगप्पे खाएंगे तो अगर आपको 7 पीसेज ऑफ गोलगप्पे मिल रहे हैं तो यू कैन टेस्ट एवरी वाटर जो भी फ्लेवर है। सो लेट्स गो एंड हैव सम चाट। अभी हम खाने वाले हैं गोलगप्पे, और यहाँ पे बाहुबली गोलगप्पे क्यों बोलते हैं, इसका साइज़ बड़ा है पूरी का, इसीलिए एक्चुअली पूरी का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो उतने तो मैं खा नहीं पाऊँगी, तो दो बड़े खाएंगे फिर हम छोटे खाएंगे। ये बड़े हैं, ये रेगुलर है, अंदर कुछ डालते नहीं हो? अंदर मसाला डालते हो? मसाला डालते हो। लुक एट द साइज ऑफ गोलगप्पा हियर। सबसे पहले हम पुदीने का रेगुलर गोलगप्पा खाएंगे। अंदर आलू की स्टफिंग है, पुदीना एकदम स्ट्रॉन्ग गले पे जाके लगा, बट ये पूरी काफ़ी बड़ी है, मतलब एकदम बड़ी है पूरी। मैंगो, ये कच्चा आम, वो कच्चे आम की टॉफी नहीं खाते, ऐसा टेस्ट आ रहा है इसका। अभी छोटे दे दो। गार्लिक, गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। जीरा, चेंज ऑफ ड्यूटी, ये कौन सा है? जिंजर। बहुत स्ट्रॉन्ग था यार ये, सीधा गले पे लगा। एक तो जिंजर का पूरा टेस्ट, ये साउजी है, एक तो बहुत बड़ा है ये देख, मैं ट्राई करूँगा पूरा एक साथ में डालने के लिए। 1 2 3 टेस्ट बहुत अच्छा है। सो दिस वॉज द बाहुबली पानीपुरी। इसे बाहुबली इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि जो पूरी का साइज था वो काफ़ी बड़ा था, एंड आई वुड नॉट कॉल दिस अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। जो पानी थे, 7 फ्लेवर्स के पानी थे, उनका स्वाद काफ़ी अच्छा था, लाइक उनमें फ्लेवर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था, ठंडा ठंडा पानी था, बट बिकॉज द पूरी वॉज सो बिग, उसको खाने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ लग रही थी। लाइक आई थिंक आप इनकी नॉर्मल पूरी खाइए, फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाहुबली आप एक ले लीजिए टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट वाइज इट वॉज़ वेरी गुड, बट कन्वीनियंस वाइज कि आपको खाने में कितना ऐसा प्लेजेंट लग रहा है, दैट वॉज ओकेश। बट हाँ, कुछ ऐसे अलग ट्राई किया, उसमें काफ़ी मज़ा आया। अभी चलिए, अभी हम हमारी नेक्स्ट जगह पर जाते हैं। इंडिया में आप कोई भी एक शहर में चले जाइए और वहाँ पे आप रीजनल डिशेस जब आप ट्राई करेंगे, या आप एक रीजनल कलिनरी ट्रेल पे निकलेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में अभी तक इतनी सारी चीज़ें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, डाइवर्स हैं, इंटरेस्टिंग हैं, एंड उनमें से ये एक चीज़ मेले रहेगी, पाटोरी।
तो नागपुर में आपको मिलती है पाटोड़ी। ये बेसिकली एक फ्राइड आइटम होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख या सुन रही हूँ। सो ये बेसिकली क्या है ना, बेसन की बाहर की कोटिंग है, जैसे आपने देखा बेसन की एक शीट थी, उसमें ये लोग स्टफिंग डालते हैं धनिए और मसाले की। सो लॉट्स ऑफ कोरिएंडर एंड स्पाइसेस, उसकी पूरी मसाले डालते हैं, इसको अच्छे से पूरा रोल करते हैं और इसको डीप फ्राई करते हैं जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, दे सर्व इट विद सम बटर मिल्क एंड ग्रीन चिलीज। चलो लेट्स टेस्ट दिस। ओह वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, सो डिलीशियस, पूरा कमाल है। ये अंदर की स्टफिंग का है। मैं ये जगह से खा रही हूँ, इसका नाम है पाटोड़ी वाला, इसका जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंदर आप एक बार स्टफिंग देखेंगे तो बहुत सारा धनिया खोपरा जो कोकोनट होता है और मसाले डाले गए हैं। ये इतना स्पाइसी नहीं है, क्रिस्पी है बाहर की लेयर, बेसन का अच्छा स्वाद आ रहा है, वेरी गुड। और ये जो बटर मिल्क है ये नमकीन, वेरी डिफरेंट बट सो गुड। अंदर स्टफिंग में भी मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा बेसन डाला हुआ है। दिस इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग टेस्ट इसमें कोरिएंडर की है, बहुत अलग है। अगर आपको कुछ अलग स्नैक ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली हैव दिस। हमें तो आज बहुत मज़ा आ रहा है नागपुर के, हम जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो ट्राई कर रहे हैं। और जब हम नागपुर के स्पेशलिटी की बात करें तो हल्दीराम्स को उसमें ना इंक्लूड करना एक क्राइम ही होगा। वैसे हल्दीराम्स अब इंडिया के हर कोने कोने में मिलता है, छोटे से बड़े शहर हर जगह पे आपको दिखेगा हल्दीराम का। नमकीन, स्नैक्स, मेन कोर्स, बहुत कुछ मिलता है। बट डिड यू नो नागपुर वॉज द सिटी जहाँ पे हल्दीराम का फर्स्ट आउटलेट खुला था। सो हल्दीराम्स इज एक्चुअली फ्रॉम नागपुर, इसलिए आप जब भी हल्दीराम का आउटलेट देखेंगे वहाँ पे आप देखेंगे उनके स्पेशलिटी में एक छोले भटूरे और एक ऑरेंज बर्फी तो हमेशा रहती है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। वैसे मैंने छोले भटूरे हल्दीराम के पहले भी खा रखे हैं, ऑरेंज बर्फी भी खाई है, बट नागपुर के हल्दीराम्स के छोले भटूरे मैंने नहीं खाए हैं। सो आई हैव ऑर्डर्ड अ प्लेट ऑफ छोले भटूरे। लेट्स सी इज इट डिफरेंट, इज इट द सेम, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट। दिस इज़ हाउ द मेन्यू ऑफ हल्दीराम्स लुक्स लाइक। आप देखेंगे बहुत ही नॉर्थ इंडियन डोमिनेटेड डिशेज हैं, बट वन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मेन्यू एक्चुअली काफ़ी एक्सटेंसिव है। सो यहाँ पे और भी बहुत सारे क्विजींस हैं। ऑल्सो द प्लेस इज़ वेरी नाइसली मेड अप। हम इनके ओल्डेस्ट ब्रांच में आए हैं जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ऊपर स्वीट्स का शोरूम है और यहाँ पे नीचे रेस्टोरेंट है। इट्स नाइस, रेस्टोरेंट इज़ रियली नाइस और रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं। तो हमारी छोले भटूरे की प्लेट अब यहाँ पर आ चुके हैं। भटूरे देखिए क्या फुले हुए हैं, लुक वाइज तो काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहला है यहाँ पे भटूरा जो काफ़ी फुला हुआ था। यहाँ पर है छोले, आलू मिर्ची अचार एंड अनियन, और यहाँ पर हमारे पास आम का अचार ऐसे पैकेट्स में है। लेट्स ईट। भटूरे इतने भी गर्म नहीं है, मतलब ठीक ठीक गरम है, बट छोले काफ़ी ऐसे गरम लग रहे हैं। लेट्स टेस्ट। मैंने आपको एक बात बता दूं, जब छोले भटूरे की बात आती है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि छोले भटूरे एक स्ट्रीट फूड आइटम है, तो वो तो मुझे स्ट्रीट्स पे खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, रेस्टोरेंट्स में मैं कम ही प्रेफर करती हूँ। बट ये एक्चुअली अच्छा है। भटूरा जो है वो इतना गर्म नहीं है, बट भटूरे की टेस्ट काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, यहाँ पे आपको एक फ़र्क महसूस होगा, ये उतना ऑयली नहीं है जितना आपको स्ट्रीट फूड में से छोले भटूरे में से ऑयल मिलेगा। छोले या मैं चना बोलूँ, ऑन द अदर हैंड, इतने अच्छे से बॉयल्ड हैं, एकदम ऐसे थिक ग्रेवी में, फुल ऑफ स्पाइसेस। ये जो चने हैं बहुत अच्छे से बॉयल्ड हैं। आई कैन टेस्ट लॉट्स ऑफ जिंजर गार्लिक इन दिस। दूसरे भी स्पाइसेस जैसे थोड़ा इलायची डाला हुआ है, ब्लैक पेपर ढेर सारा डाला हुआ है। इट्स नॉट वेरी स्पाइसी बट वेरी गुड। भटूरे ऑन द अदर हैंड अंदर से काफ़ी एयरी हैं। आप देखेंगे अंदर कुछ स्टफिंग नहीं है, यूजली भटूरे में ऐसे थोड़ी पनीर की ऐसी स्टफिंग होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। भटूरा इतना थिक भी नहीं है, अंदर से एयरी, क्रिस्पी है ये बाहर से थोड़ा थोड़ा, पर थोड़ा सा ना ठंडा है, वो एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग है। भटूरे की साइज़ भी मीडियम है, इतनी बड़ी भी नहीं है। भटूरे का जो डो है उसमें ऐसे जीरा जीरा डाला हुआ है। अब थोड़ा मैं ये आलू भी ले लेती हूँ। अचार
इतनी खट्टी नहीं है, ठीक लगी मुझे अचार। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ दे टेस्ट रियली गुड, बट इज इट समथिंग डिफरेंट जो मैंने दूसरे हल्दीराम्स में खाया है? नॉट रियली, इट्स अ गुड थिंग ओनली, राइट? हल्दीराम से निकलने के पहले हम यहाँ पे स्वीट्स पक्का ट्राई करेंगे। तो अब जो उनकी ऑरेंज बर्फी थी वो ऐसे ओपन में नहीं थी, पूरा पैक था, तो फिलहाल तो मैं वो कहीं रख नहीं सकती, तो वो तो मैंने नहीं लिया। बट मैंने ऑरेंज के ही दो दूसरे डिज़र्ट्स लिए हैं या मिठाई ली है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे इतने सारे ऑप्शंस थे, पर ये देखिए मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया है ये है खोपरा ऑरेंज लड्डू, फिर है ये संतरा कदम, एंड दिस इज़ सम मैसूर पाक। तो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई हैव टेकन। सबसे पहले मैं लूँगी संतरा कदम, चलिए लेट्स टेस्ट दिस। ओके, ऑरेंज सिटी में पहली चीज़ जो हम ऑरेंज की ट्राई की वो है ये संतरा कदम, एंड इट्स सो गुड। आप अंदर देखेंगे सो दिस पल्पी स्वीट ऑरेंज, और बाहर एकदम थिक लेयर ऑफ मावा, और ऊपर से थोड़ा पिस्ता, तो इसमें केसर पिस्ता का स्वाद आ रहा है, फिर मावा का, एंड द पल्पी ऑरेंज। जो नेक्स्ट चीज़ हम खा रहे हैं वो है खोपरा ऑरेंज लड्डू। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इवन दो इट्स अ लड्डू, इसका जो शेप है इट्स लाइक ऑरेंजेस, जो कट ऑरेंजेस होते हैं उसके जैसा शेप है। चलो लेट्स टेस्ट दिस नाउ। नाउ दिस इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट। संतरा कदम में मुझे सबसे ज़्यादा मावा की टेस्ट आ रही थी, पर इसमें मुझे संतरे का क्या स्वाद आ रहा है। दिस इज़ द शेप आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक जब आप ऑरेंज पील करते हो तो कैसा लगता है, एकदम वैसा लग रहा है ये। और अंदर से इसका जो टेक्सचर है एकदम लड्डू जैसा ही है, खोपरा लड्डू कैसा होता है, तो इसमें आपको कोकोनट का काफ़ी स्वाद आएगा, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है उसका, पिस्ता का स्वाद आएगा, और बहुत सारे स्वीट ऑरेंजेस का स्वाद आएगा। दिस इज़ रियली गुड। मुझे एनीवे जो कोकोनट होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है स्वीट्स में। दिस इज़ रियली गुड। फाइनली सम मैसूर पाक। मैसूर पाक इज़ ओकेश, मैंने इसे काफ़ी बेटर खाई है, काफ़ी चौकी टेस्ट है, घी का उतना स्वाद नहीं आ रहा है। सो मैसूर पाक इज़ रियली ओकेश, बट सबसे बेस्ट वो खोपरा संतरा लड्डू, एंड सेकेंड द कदम। नेक्स्ट वीडियो में हम बर्फी भी खाएंगे संतरे की एक नई जगह पे, बट फिलहाल हल्दीराम्स के लिए यही था। एंड गाइज विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट जो नागपुर फूड पार्ट 2 आने वाला है वो भी देखें, उसके लिए आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सो दैट व्हेन आई पोस्ट दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड एवरीवन फ्रॉम नागपुर लीव अ हाई इन द कॉमेंट्स बिलो। टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट। अगर आपको चाहिए कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन होप यू खुश रहो, बाय। वी हैव कम टू दिस जॉइंट कॉल्ड विकी चनापो, सॉरी। सो दिस इज पता नहीं गले को क्या हो गया। ओके लेट्स गो। सो दिस जाम गरम है, रेडी प्लेसेस, और वो भी क्यों ना आई फिर से यार, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग, और एक सेकेंड, बहुत इंटरेस्टिंग यार एक वर्ड था, डाइवर्सिटी और यार मेरे को वर्ड ही याद नहीं आ रहा है।